तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ क्रिएटिनिन कैसे हम प्रोसेस करते हैं। चूँकि काइनेटिक मेथड से हम क्रिएटिनिन करेंगे और जो हमारे पास जो किट है वो कोरल कंपनी का है और यहाँ पर आपको L1 और L2 करके दो इसमें किट मिलता है जिसको हम R1 या R2 भी बोल सकते हैं। इस पर लेबल किया हुआ है L1 और L2। जिसको परफॉर्मेंस करें कैसे करेंगे बताऊँगा, तब तक चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। अब हम क्या करेंगे कांच की ट्यूब में क्या करें, R1 जो होगा इसका वो 250 माइक्रोलीटर कांच की ट्यूब में ले लेंगे। मैं यहाँ पे एक साथ दो टेस्ट परफॉर्म कर रहा हूँ इसलिए दो टेस्ट किट में और दो टेस्ट ट्यूब में मैं 250 माइक्रोलीटर ले लिया। अब इसका हम क्या करेंगे, उसके पहले मैं आपको बता दूँ जो R1 होता है हमेशा येलो कलर का ही आपको मिलेगा, चाहे किसी भी कंपनी का आप ये क्रिएटिनिन का किट यूज करो, अगर R1 होगा तो येलो कलर का ही मिलेगा आपको, ठीक है। अब हम इसमें R2 का भी 250 माइक्रोलीटर हम इसमें मिक्स कर देंगे, यानी कि दोनों टेस्ट के लिए हमने इसमें ले लिया। लेने वाले से इनको हम पूरी तरह से मिक्स कर लेंगे कि दोनों जो रिएजेंट है एक अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। और भी ऐसी अगर आपको वीडियो चाहिए तो उसके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना जिससे कि नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अभी हम Airva Cam 7 पे हम आए हैं मशीन पे, आने के बाद से यहाँ पर हम इसको सेट करेंगे, आपको बताएंगे मशीन को हमें कौन सा टेस्ट परफॉर्म करना है। तो क्रिएट पे सेलेक्ट करने वाले से वो वॉशिंग मांगेगा तो वो हम उसको दे देंगे। वॉशिंग इसलिए ज़रूरी होता है कि जो प्रोब में इसके पहले अगर कोई टेस्ट हम परफॉर्म किए हैं तो रिएजेंट या सैंपल वगैरह लगा हो तो वो सारी चीज़ें वॉश होकर हट जाए, यानी कि क्लियर हो जाए वो, ठीक। अब यहाँ पे पूछ रहा है स्टैंडर्ड रन करना है क्या, तो हम उसको बोलेंगे नहीं, यानी हमको स्टैंडर्ड नहीं रन करना है, हमको सिर्फ टेस्ट प्रोसेस करना है। अब यहाँ पे नो करने वाले से यहाँ पर देगा स्प्रेड सैंपल, ठीक है। अब स्प्रेड सैंपल बोला, अब हम जिस पेशेंट का परफॉर्म करना है उसका सीरम सैंपल 50 माइक्रोलीटर इसमें कांच के ट्यूब में हम मिक्स करेंगे जिसमें हम R1 और R2 दोनों लिए हुए थे, ठीक। इसमें लेने वाले से मिक्स करेंगे और मिक्स करके हम उसको इमिडिएटली इसको स्प्रेड करना होता है क्योंकि इंक्यूबेशन टाइम इसका बाहर नहीं मशीन के अंदर होता है, मशीन अंदर ही इंक्यूबेट करता है, रिएक्शन करता है, फिर हमको रिजल्ट फाइनल रिजल्ट हमको दे देता है। स्प्रेड कर दिए हम, अब यहाँ से आपका टाइमिंग चालू हो गया है, मुश्किल से 2 से 3 मिनट के अंदर रिपोर्ट इसका आ ही जाता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं 37 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है और 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ये परफॉर्म होता है, तो ये टाइमिंग चालू है यहाँ पे। अभी पहले तो वो 30 सेकेंड के आसपास लिया, अभी 60 सेकेंड यानी कि 1.5 मिनट में रिजल्ट इसका आ जाता है। इसका जो ग्राफ होता है वो नीचे से चालू होता है, जैसे कि मैं यूरिया वाले वीडियो में बताया था आपको, यूरिया ग्राफ ऊपर से दिखाता है ऊपर से और इसका नीचे से। अभी यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसका रिजल्ट आ चुका है, यानी कि 1.13 mg/dL ये क्रिएट का रिजल्ट है, यानी कि क्रिएट हमारा नॉर्मल है, नॉर्मल रेंज का इसका 1.3 तक होता है लेकिन 1.1 नॉर्मल है। तो इस तरह से परफॉर्म करता है, कुछ कमेंट है तो नीचे कमेंट करो, बताएं मुझको, वीडियो को लाइक कर।